नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से ट्रेड किया, किस तरह से मूव हुई, कौन कौन से सपोर्ट लेवल आज जो है बैंक निफ्टी के जो है सपोर्ट के रूप में काम किया और कौन से लेवल जो है रेजिस्टेंस के रूप में काम किए, कौन सी ऐसी ट्रेंड लाइन थी जो ब्रेक होने के बाद अच्छी मूव देकर गई। तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स की भी चर्चा यहां पर करेंगे, सबके एनालिसिस करेंगे कि कल के डेट में ये किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स जैसा कि आप देख रहे हैं कंटिन्यू जो है एक बहुत शार्प मूव जो है हम तेजी देख रहे हैं कंटिन्यू काफी दिनों से। तो यहां पर जैसा देखिए अब आज की जो कैंडल जो यहां पर बनी हुई है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ये थोड़ी डोजी टाइप की कैंडल दिखाई देगी। इसको एक देखिए हम हैमर भी कह सकते हैं, बट ना तो ये प्रॉपर हैमर है और ना ही ये प्रॉपर अभी डोजी के रूप में है, क्योंकि देखिए नीचे की जो विक है लंबी है, ऊपर की विक एक बराबर नहीं है। अगर डोजी हम उसको कहते हैं जिसकी ऊपर की विक और नीचे की विक एक समान हो। तो यहां पर देखिए जैसा कल का जो हाई लगा था वो 30,354 का लगा था और आज का जो हाई लगा वो लगा 3,363 का। तो देखिए लेवल तो क्रॉस जरूर हुआ बट ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाई बैंक निफ्टी। मींस कहने का मतलब ये है कि बायर्स जो है सेलर्स की तुलना में थोड़े कमजोर इस समय दिखाई दे रहे हैं। बट यहां पर जो दूसरे सेशन में हम कह सकते हैं जो तेजी आई, देखिए बैंक निफ्टी दो सेशन में काम करता है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। एक स्टार्टिंग सेशन होता है मॉर्निंग का और एक सेकंड सेशन होता है वो आफ्टरनून का। तो जो मॉर्निंग का सेशन था जो 12 बजे से पहले की जो ट्रेडिंग थी उसमें अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी ने एक नीचे की तरफ का मूव किया और फाइनली जो है सेकंड सेशन में बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ का मूव किया। अब देखिए यहां पर जो ट्रायंगल जो यहां पर आपको दिख रहा है डे चार्ट में, यहां पर ट्रायंगल तो कल ही ब्रेकआउट हो चुका था बट यहां पर वो जबरदस्त कैंडल नहीं दिख रही थी। अब यहां पर देखिए मूव कब हो सकती है, यहां पर 30,360 का लेवल एक बार निकल जाए, 30,370 का लेवल एक बार क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए, 30,370 की क्लोजिंग के ऊपर यहां बैंक निफ्टी काफी अच्छा करने वाला है, इस चीज को जो है ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। अब 15 मिनट के चार्ट देखिए हमने यहां पर लगा लिया हुआ है। तो देखिए जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि बैंक निफ्टी में जो आज जो स्टार्टिंग के जो सेशन जो था वो थोड़ा मतलब वीक था। मीन्स हम कह सकते हैं ये 15 मिनट की कैंडल है। देखिए स्टार्टिंग के सेशन में मार्केट नीचे आया और जो दूसरा सेशन था उसमें मार्केट ऊपर गया। मीन्स कहने का मतलब गाड़ी दिल्ली से चली थी और दिल्ली आकर खड़ी हो गई, ठीक है। तो मतलब यहां पर कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का हमको यहां पर देखने को नहीं मिला, सिर्फ एक वॉलेटाइल मार्केट यहां पर देखने को मिली। अब यहां पर देखिए हमको किस तरह से कल को ट्रेड करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर जिसको जिसको टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रॉफिट बना हो वो नीचे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू यहां पर चार्ट पोस्ट करते रहता हूं टेलीग्राम चैनल पर और उम्मीद करता हूं वो चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपको ट्रेडिंग लेने के लिए बहुत हेल्पफुल है। वहां पर देखिए मैं सारी चीजें मेंशन करता हूं। देखिए उसके बाद यहां पर जो है अब आप देख सकते हैं कि अब ऊपर का एक जोन बन चुका है। देखिए मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए चीजों को समझ समझिए देखिए चीजों को समझ के करेंगे तो यहां पर पैसे बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने ऊपर का एक जोन ड्रॉ कर दिया है, मीन्स हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है। अगर अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए अब ये एक जो है ये देखिए ये एरिया बन चुका है। नीचे का जो एरिया है वो 30,000 का है और ऊपर का जो है वो 30,360 का है। तो अब इस रेंज के अंदर जो है बैंक निफ्टी काम कर रही है। अगर आज भी हम बात करें तो आज भी बैंक निफ्टी ने टोटली जो है रेंज में ही काम किया। तो अब देखिए हम कल किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम कल का ट्रेडिंग प्लान अप बनाकर चलते हैं कि हमको कल किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। अब यहां पर देखिए एक ये लेवल है, ये जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा, ये जो लेवल है अब इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी देखिए जो है कंटिन्यू यहां पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस तरह से हो सकता है, यहां पर सपोर्ट लेने के बाद यहां से ये ब्रेकआउट कर सकता है कल की डेट में। अब देखिए कल को क्या करना है, मैं आपको यहां पर तीन सिनेरियो बताने जा रहा हूं। देखिए एक तो बताऊंगा फ्लैट ओपनिंग, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है, गैप अप ओपनिंग के बारे में बताऊंगा और गैप डाउन ओपनिंग के बारे में बताऊंगा। तो इन सब चीजों को ध्यान से सुनिएगा। अब ये देखिए अब यहां पर जो मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो 30,240 के आसपास आई है। अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास जो है ओपन होती है, देखिए मैं आपको फिगर में समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए यहां पर ओपनिंग होती है और यहां पर सपोर्ट लेने के बाद, इस तरह से सपोर्ट लेने के बाद जो है यहां पर देखिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकती है, ठीक है। ये तो पहला सिनेरियो हो जाएगा बैंक निफ्टी में,
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये देखिए जो चीज मैंने आपको समझाई है, यहां पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहां पर नीचे की तरफ थोड़ा सा आने के बाद, मींस इस लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद 30,200 के लेवल पर सपोर्ट लेकर ये जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरे सिनेरियो की। मान लीजिए अगर यहां पर बैंक निफ्टी में यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी यहां कहीं इस लेवल के आसपास मिलता है, तो देखिए ये एक सपोर्ट लेवल है और इस सपोर्ट लेवल के आसपास से जो है बाउंस बैक हो सकता है। तो यहां से बैंक निफ्टी एक बार फिर जो है बाउंस बैक कर सकती है, इसी का ध्यान रखिएगा। यहां से बाउंस बैक होने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब मैंने आपको ये चीज भी आपको समझा दी। अब यहां पर देखिए समझने वाली चीज क्या है, ये देखिए अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक फर्स्ट टॉप बॉटम यहां पर बना हुआ है। यहां पर देखेंगे तो फर्स्ट बॉटम है, यहां पर आप देखेंगे सेकंड बॉटम है, और यहां पर आप देखेंगे अगर कल की डेट में यहां पर आता है तो यहां से 90% चांस है यहां पर कि बाउंस बैक यहां से कर सकता है, क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉटम बनाने जा रही है बैंक निफ्टी। अगर हम आज के बॉटम की बात करें तो ये जो बॉटम को अगर हम लेके चलें तो आज हम इसको फर्स्ट बॉटम मान लेते हैं, और कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और इस लेवल के आसपास होती है तो यहां पर हमारा एक डबल बॉटम पैटर्न यहां पर बन जाएगा, और यहां से मे बी 90% चांस मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि यहां से बैंक निफ्टी एक बार फिर बाउंस बैक यहां से कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी अगर यहां पर गैप अप ओपन हो जाती है। देखिए मैंने दोनों सिनेरियो आपको समझाए, अगर यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहां से बाउंस बैक भी कर सकती है। अगर मान लीजिए ये लेवल ब्रेक होता है, 30,200 का लेवल ब्रेक होता है, तो आप यहां पर एक सेल साइड का ट्रेड बना सकते हैं, और आपको जो प्रॉफिट बुक करना होगा वो 30,050 के आसपास बुक करना होगा। मतलब यहां पर आप जो है 150 पॉइंट्स का जो है वन वे मूव आप यहां पर देख सकते हैं अगर 30,200 का लेवल ब्रेक होता है। लेवल्स को ध्यान से सुन लीजिए, 30,200 का लेवल अगर कल ब्रेक होता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की दिशा में चल पड़ती है, तो आप यहां पर 30,200 का लेवल ब्रेक होने के बाद यहां पर जो 30,050 के लेवल के लिए सेल कर सकते हैं। सेकंड सेल करने के बाद एक चीज और ध्यान रखिए, जब यहां पर आपको बैंक निफ्टी मिले तो यहां पर आपको सेलिंग नहीं देखनी है, आपने यहां पर बाइंग देखनी है, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। ये 30,050 का लेवल, 30,000 और 30,050 के बीच में अगर बैंक निफ्टी आपको मिले तो आप यहां पर जो है बाइंग कर सकते हैं। देखिए बाइंग भी आपको कब करना है, वहां पर आपको कुछ कंफर्मेशन चाहिए, लाइक आपको वहां पर कोई हैमर कैंडल मिलती हो, आपको वहां पर कोई डोजी कैंडल मिले, आपको वहां पर कोई एंगल्फिंग कैंडल मिले, इस तरह की कुछ कंफर्मेशन चाहिए बाइंग के लिए। तो इस तरह से आप यहां पर जो है बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। अब गैप अप ओपनिंग में क्या हो सकता है, आप ध्यान से सुनिए। अभी हमारे लिए जो 2 दिन से हम जो फेस कर रहे हैं, देखिए कल भी जो यहां पर हाई लगा था वो हाई लगा था 30,350 के आसपास, आज का जो हाई लगा है वो 30,363 के आसपास, मीन्स आज जो है हम 12-13 पॉइंट ऊपर जो है गए थे, बट हम वहां पर जो है क्लोज नहीं हो पाए। क्लोजिंग फाइनली हमारी 30,237 पर हुई है। देखिए जैसा कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहां पर जो है 30,200 के ऊपर की क्लोजिंग अगर कल को हो जाती तो आज बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव हम दे सकते थे, बट आज यहां पर 30,237 के ऊपर क्लोजिंग हमको मिल चुकी है, तो यहां से हम जो है अभी हम बुलिश हैं। तो एक चीज और मैं आप लोगों को यहां पर जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तब हम आप जो है यहां पर सेल का ट्रेड बनाइए। ये देखिए ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो ये देखिए अब ये ट्रेंड लाइन देखिए, अब जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम बुलिश हैं। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद देखिए ये ट्रेंड लाइन भी यहां पर सपोर्ट है, और ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल ये ड्रॉ किया अभी ये भी सपोर्ट है, तो यहां पर दो दो सपोर्ट इसके पास है। अभी अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप यहां पर जो है 30,050 के लिए सेल का ट्रेड बना सकते हैं। मान लीजिए अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद आपको एक एटलीस्ट 5 मिनट का कैंडल का वेट करना है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आपको एक 5 मिनट की एक फुल ग्रीन कैंडल आपको चाहिए, उसके ऊपर आप जो है बाइंग बना सकते हैं उसके 5 मिनट के कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखकर। अदरवाइज अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, तो आप जो है वहां पर एक प्राइस एक्शन बनने का वेट होने दीजिए। प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस एक्शन के बाद जो है आप वहां पर जो है ट्रेड बनाइए। देखिए प्राइस एक्शन से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद फिर जो है नीचे की तरफ आया, और अब फाइनली फिर जो है अपना हाई जब ब्रेक करता है तो उसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। तो ये देखिए अब ये जो लेवल होता है, ये जो प्रीवियस हाई लगता है, ये हाई ब्रेक होने के बाद हम जो यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। तो मार्केट हमेशा एक प्राइस एक्शन के रूप में काम करता है, बिना प्राइस एक्शन मार्केट काम नहीं करता है। सो लेवल्स को ध्यान में रखकर ट्रेड करिए, बहुत अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर बनते हैं। और देखिए अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पर देखिए मैं आप लोगों को कंटिन्यू मैं वहां पर अपडेट करते रहता हूँ। वहां पर आपको जो है मैं चार्ट वहां पर पोस्ट करता हूँ,
सारी जो भी चीज है, देखिए बैंक निफ्टी में जो भी आगे मूवमेंट होने वाली है उन सब चीजों के बारे में मैं आपको वहां पर बताता हूँ। वहां पर मैं पर्सनल ट्रेड जो है मैं ले रहा हूँ, मैं वो चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने किस लेवल पर बाय किया, मैंने किस लेवल पर सेल किया, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ट और प्राइस। प्राइस ही भगवान है, ओके, प्राइस इज गॉड। सो अगर आप प्राइस को फॉलो करते हैं तो आप अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हैं। चार्ट को फॉलो करिए, जो चार्ट मैं आपको पोस्ट करता हूँ उसको ड्राइंग करने की कोशिश करिए, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप यहाँ पर परफेक्ट बन जाएंगे। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए बात करेंगे हम एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक ने देखिए फाइनली जो है ट्राइंगल पैटर्न का कल ब्रेकआउट दे दिया था, और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप जो है 625 के ऊपर जो है बाइंग कर सकते हैं। सो फाइनली आज जो है बैंक निफ्टी सॉरी एक्सिस बैंक ने जो है 625 का लेवल टच नहीं किया। सो अब ये 625 का लेवल हमारे लिए कल को काम करेगा। अगर 625 के ऊपर एक्सिस बैंक निकलता है तो आप 630 और 635 के लिए बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए मैं आप लोगों को इसी लेवल से 330 के लेवल से ही पोजिशनल वालों को बाय करने के लिए बता रहा था। 330 से देखिए आज फाइनली जो हाई लग गया वो 417 का हाई लगा। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न टाइप का था और यहां पर फाइनली कल जो है ब्रेकआउट हो गया था, बट यहां पर वॉल्यूम सपोर्ट इसको नहीं कर रहा है। सो इस चीज की थोड़ी सी आशंका है। अगर यहां पर कल को बैंक निफ्टी जो है 419 या 20 का लेवल क्रॉस करता है फिर आप यहां पर बाइंग के लिए जाइए, अदरवाइज यहां से आप ट्रैप हो सकते हैं। यहां पर शायद ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर एक लेवल ड्रॉ करता हूं, इस तरह से ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करता हूं। अभी अगर हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आते हैं तो बिल्कुल क्लियर कट हम सेल साइड जाने वाले हैं, अदरवाइज जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम जो है बाइंग के लिए ही देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक देखिए जिस तरह से बैंक निफ्टी एक रेंज बना रहा है, रेंज में काम कर रहा है, उसी तरह से ये एचडीएफसी बैंक भी सेम उसी तरह रेंज में ही ये काम कर रहा है। अब इसके लिए 1350 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1350 का लेवल ब्रेक करता है तो हम सेल साइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज अभी हम जो है देखिए यहां पर फाइनली कल एक हैमर कैंडल बना और आज जो है डोजी कैंडल बनी है। अब यहां पर हमारा जो बाइंग एक्टिवेट होगा इंट्राडे के लिए वो हमारा एक्टिवेट होगा 1390 रुपए के ऊपर। अगर 1390 रुपए के ऊपर आप ये निकलता है तो आप 1405 और 1420 रुपए के लिए इंट्राडे में ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक मैंने आपको बताया था 516 रुपए के ऊपर बाइंग करने के लिए इंट्राडे में, तो फाइनली देखिए आज 516 का लेवल क्रॉस नहीं हुआ। अगर यही लेवल अब हमारा कल काम करेगा, 516 के ऊपर निकलता है तो आप यहां पर 520 और 525 रुपए के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक देखिए कितनी अच्छी तेजी कंटिन्यू यहां पर बना के रखा हुआ है। पोजिशनल वालों को मैंने यहां पर बताया था 650 के आसपास की, 650 का लेवल क्रॉस करता है तो यहां पर आप जो है ट्रेड बना सकते हैं। अब जो है जिन्होंने 650 के ऊपर जो है बाइंग किया है वो अब चाहे तो यहां पर 80% क्वांटिटी या 50% क्वांटिटी जो है बुक कर सकते हैं। पिछले दिन का स्टॉप लॉस लगाकर इसको ट्रेल करते जाइए, बट यहां पर 50% प्रॉफिट अपना लॉक जरूर कर लीजिए। अब यहां पर हम जो है बाइंग करेंगे 940 रुपए के ऊपर इंट्राडे में, हमारा टारगेट रहेगा 950 रुपए और 960 रुपए। नेक्स्ट है हमारा कोटेक बैंक। तो अब देखिए कोटेक बैंक भी ये देखिए अभी ये सपोर्ट के आसपास ही अपने कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहा है। यहां भी मैंने आपको बताया था कि 1860 रुपए के ऊपर हम यहां पर बाइंग करेंगे। सो आज 1860 का लेवल टच नहीं हुआ, अब यही लेवल हमारा कल कल के लिए है। 1860 के ऊपर निकलता है तो आप यहां पर जो है 1880 और 1900 के टारगेट के लिए कोटेक बैंक में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंजाब नेशनल बैंक ने एक बहुत जबरदस्त मूव दी है। ये देखिए मैंने आपको कंटिन्यू मैं आपको प्रेफर इसको कर रहा था 30 रुपए के ऊपर। यहां पर जिस भी पोजीशन जिन्होंने पोजीशन बनाई है 30 रुपए के ऊपर, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर जो आप अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, बिकॉज देखिए 30 रुपए से जो है आज इसने जो हाई लगाया वो लगाया 41 का, तो इतनी मूवमेंट जो है काफी अच्छी मूवमेंट मिल चुकी है। पोजिशनल ट्रेडर्स को मैं बोलूंगा 50% क्वांटिटी बुक करके और पिछले दिन का स्टॉप लॉस लगाकर इसको ट्रेल करते जाइए। अब देखिए यहां पर आज पंजाब नेशनल बैंक में एक बहुत जबरदस्त मूव हुई है। अब यहां पर आप देखिए हमको एक वेट करना है, वेट क्या करना है, इसको रीटेस्ट होने का, इसको रीटेस्ट होने दीजिए। अगर आप दोबारा एंट्री लेना चाहते हैं तो आप 39 के आसपास यहां पर दोबारा एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो 41.2 के ऊपर निकलता है तो आप इंट्राडे में ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक यहां पर देखिए एक मैंने ट्रेंड लाइन यहां से नीचे से ये ड्रॉ की हुई है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में आपको मैं जरा लॉजिकल चीज बताऊंगा। ये देखिए नीचे से जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, फाइनली देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये ग्रीन कैंडल कल इसने ब्रेकआउट तो दे दिया था बट आज जो है
आरबीएल बैंक इसके 245 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया, नहीं निकल पाया। देखिए यहां पर अगर आपको बाइंग करनी है इंट्रा डे में, तो आप 245 की क्लोजिंग, 245 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, मीन्स 246 की आ जाए, 245 रुपए 50 पैसे की आ जाए, 245 रुपए 50 पैसे क्लोजिंग आने के बाद ही आपने ट्रेड करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। 245 रुपए 50 पैसे के ऊपर जब ये निकलता है, तो आप इसको 248 और 251 के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए अब ये जो ट्रेंड लाइन मैंने नीचे से ड्रॉ करके रखी हुई है, अब इसके लिए ये कंटिन्यू एक सपोर्ट का काम कर रही है। जब तक आरबीएल बैंक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तब तक हम इसको जो है सेल्स के लिए नहीं देखेंगे, हम इसको कंटिन्यू बाई के लिए देखेंगे। जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, तब हम इसमें जो है सेल का ट्रेड बनाएंगे। फिलहाल अभी हम इसमें बुलिश है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई बैंक। देखिए मैं एसबीआई बैंक आप लोगों को 3-4 दिनों से कंटिन्यू इंट्राडे में बाइंग करने के लिए बता रहा हूं। देखिए फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था, वो बताया था आपको 253 के ऊपर, ठीक है। तो हमको ये कंटिन्यू 4 दिनों से प्रॉफिट दे रहा है, तो आज जो है यहां पर कोई खास हमको प्रॉफिट नहीं मिल पाया, बिकॉज मैंने आपको यहां पर 271 रुपए के ऊपर मैंने आपको बाइंग के लिए यहां पर बताया था, सॉरी 270 रुपए के ऊपर मैं बाइंग के लिए आपको बताया था, और यहां पर जो हाई लगा वो 273। मैंने आपको टारगेट दिया था 273 और 276 का, बट सेकेंड टारगेट नहीं आया, बट हमारा फर्स्ट टारगेट यहां पर अचीव हुआ है। अब यहां पर जो है कल को आप जो है इसमें थोड़ा संभल कर ट्रेडिंग करिएगा, बिकॉज यहां पर कंटिन्यू 4 दिन से जो है बुलिश मूवमेंट आ चुकी है, 4 दिनों से कंटिन्यू यहां पर तेजी देखने को मिल चुकी है। सो बहुत सारे स्टॉक्स हैं ट्रेड करने के लिए, कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप अवॉइड करें तो ही ठीक है। अगर आप इसमें फिर भी अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो 274 रुपए के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, 277 रुपए और 280 रुपए का टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी की चीजें जो भी सपोर्ट होते हैं, जो भी रेजिस्टेंस होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह किस तरह से काम करती हैं, अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किसके रिलेटेड वीडियो चाहिए। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर ट्रेंड लाइन के रिलेटेड वीडियो चाहिए, वो चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल को। जय हिंद।